वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कश्मीर सिंह टीचर एक और वीडियो में आज आपके साथ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने U1 के जो दो लेसन थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। आज हम तीसरा लेसन जो आपके U2 में है, आपके सिलेबस में, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, टेस्टर क्या होता है, LED क्या है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, क्योंकि हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम पहले देखेंगे कि करंट क्या है। करंट एक्चुअल में क्या है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहते हैं कि इसमें चार्ज फ्लो करता है थ्रू वायर, तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं, इसके केमिकल इफेक्ट भी होते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं। जैसे ये बल्ब या हीटर जल रहा होता है तो वो हमें हीट देता है, वो बोले फिर ये उसको हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट भी है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। एक्चुअल में साइंस में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हमारे आसपास सब कुछ हो रहा होता है, मगर हम उसके फेमिलर नहीं होते हैं उससे कि वो हो क्या रहा है। अगर हम उसको जान जाएंगे तो वही साइंस है। इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो चीज कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से पास हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीजें जो हैं वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को और कौन सी चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करती। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी ऐसी हैं जो कंडक्ट नहीं करती हैं। जैसे हम देखते हैं वी कम अक्रॉस सो मेनी सब्सटेंसेस बट सम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम डू नॉट। फॉर एग्जांपल रबर, ग्लास, वुड एटसेट्रा डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम सब्सटेंसेस लाइक एल्यूमिनियम फॉइल, कॉपर वायर एटसेट्रा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ चीजें ऐसी हैं, खास करके मेटल, जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और कुछ चीजें वुड वगैरह है जो हैं, ग्लास है, शीशा है हमारा, रबर है, ये कंडक्ट नहीं कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें अगर देखेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर भी कंडक्ट नहीं करता है। डिस्टिल्ड प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है डिस्टिल्ड वाटर, और ये भी जो है ये भी कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। डिस्टिल्ड वाटर ये भी कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कुछ सबस्टांस जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और कुछ सबस्टांस जो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसी बिना पर सबस्टांस को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे अलो करंट टू पास आर नॉट। तो इसमें पहली चीज है, दो किस्म के हैं, एक होता है गुड कंडक्टर, दूसरा या फिर हम इसको बोलते हैं कंडक्टर ही, दूसरा हो गया बैड कंडक्टर या हम उसको बोलते हैं पावर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। द सबस्टांसेस विच अलो करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज गुड कंडक्टर्स, या फिर हम इनको बोलेंगे कंडक्टर। बैड कंडक्टर्स हो गए या हम इनको पावर कंडक्टर या फिर हम इंसुलेटर बोलेंगे इनको। द सबस्टांसेस विच डू नॉट अलो करंट टू पास थ्रू देम, उनको बोलेंगे हम बैड कंडक्टर, वो अच्छे कंडक्टर नहीं है, क्योंकि वो कंडक्टर कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए उनको हम बैड कंडक्टर बोलेंगे या फिर पोअर कंडक्टर या तो फिर हम उनको इंसुलेटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वुड जो है ये कंडक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हम देखते हैं, अभी हमने बोला कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो फिर पानी से बिजली पास कैसे होती है?
पानी से, पानी अगर प्योर फॉर्म में है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन उसमें जो कंडक्ट करने वाला चीज है, कंडक्ट करने वाली चीज जो है वो है ये क्या बोलते हैं आप इसको, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है वाटर में वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। इसीलिए बोला जाता है कि वेट हैंड, अगर आपके पानी से गीले हाथ हैं तो बिजली को हाथ नहीं लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हाथ नहीं लगाना है, जहां करंट है वहां पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो हमें शॉक दे सकती है उस वक्त, क्योंकि वो कंडक्ट कौन करेगा, इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होगी वाटर में वही कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, और शॉक लगेगी या वो फिर वो फैटल भी हो सकती है हमारे लिए। अब कुछ सबस्टांस ऐसे जो हैं वो जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा सबस्टांस जो है वो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, और कौन सा सबस्टांस जो है वो बैड कंडक्टर है। ये करेंगे हम किसकी मदद से पता, बाय मीन्स ऑफ टेस्टर। टेस्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, टेस्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू चेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेस्टर से हम पता लगाएंगे कि किसी चीज से इलेक्ट्रिक करंट पास हुई या फिर नहीं हुई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन टेस्ट दैट गिवन सबस्टांस इज कंडक्टिंग आर नॉन कंडक्टिंग। इस ये है हमारा टेस्टर। टेस्टर में क्या है कि ये इसमें हम कोई भी सबस्टांस जिसको हम टेस्ट करना चाहेंगे वो हम इस जगह पर रख देंगे उसको, और इसके जुड़ा देंगे बल्ब के साथ। अब हमें पता लग जाएगा कि ये जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि ये बल्ब अगर जलने लगा टेस्टर का, तो हमें पता लगेगा कि ये जो सबस्टांस है ये कंडक्टिंग है। अगर वो नॉन कंडक्टिंग होगा तो वो यहाँ पर सर्किट को ब्रेक कर देगा और बल्ब नहीं जलेगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो सबस्टांस है ये बैड कंडक्टर है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पोअर कंडक्टर है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं टेस्टर की मदद से कि कौन सा सबस्टांस कंडक्ट करता है और कौन सा सबस्टांस कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को। अभी तक ये हमें पता किया कि सॉलिड कौन सा कंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर नहीं है। अब लिक्विड का कैसे हम पता करेंगे कि ये कंडक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक अरेंजमेंट बनाएंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा सबस्टांस जो है कंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर नहीं है। ये हम जिस सबस्टांस का हम पता करना है कि ये कंडक्टर है या नहीं, उसको हम एक बीकर में रखेंगे और इसमें दो वायर्स जो हैं वो डाल देंगे अलग अलग। वो वायर्स जो होंगी वो बैटरी के साथ और बल्ब के साथ जुड़ी हुई होंगी। ये हमारा बल्ब है, ये बैटरी है। जैसे ही हम बैटरी से करंट ऑन करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे जाकर, ये बीकर में जो सॉल्यूशन है यहाँ करंट पहुंचेगी, ये सॉल्यूशन जो है ये आगे करंट को पास करेगा और बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अगर बल्ब जलना शुरू हो गया तो इसका मतलब जो है जो चीज हमने इस बीकर में रखी है वो कंडक्टर होगी, और अगर बल्ब नहीं जलता है तो जो भी सॉल्यूशन हमने इसमें रखा है बीकर में वो होगा इंसुलेटर या फिर होगा पोअर कंडक्टर। इसमें हमने लिया है लेमन जूस, लेमन जूस को हम पता कर सकते हैं कि ये कंडक्टर है या नहीं है। अगर बल्ब जलना शुरू हो गया तो ये कंडक्टर होगा, अगर ये बल्ब नहीं जला तो कंडक्टर नहीं होगा। पहले हम देखते हैं क्या किया हमने, टू टेस्ट एनी लिक्विड से लेमन जूस इन ए बीकर, किसमें रख दिया हमने, बीकर में। एडजस्ट द अपरेटस एज शोन इन फिगर, इस तरह से हमने अपरेटस ये करने हैं, सेट करने हैं। इफ द बल्ब ग्लोस देन द गिवन सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो द गिवन सबस्टांस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्ट जो करेगा किससे करेगा, हीटिंग इफेक्ट से, और अगर ये करंट भी उतनी होनी चाहिए कि बल्ब जल सके, अगर करंट ही कम है तो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, और ये जलेगा कैसे कि फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाएगी और वो ग्लो करने शुरू हो जाएगी, हमें आगे जो है वो ये रेडिएशन लाइट जो है देगा बल्ब, तो उसी सूरत में देगा जब ये इसको प्रॉपर करंट होगी, अगर करंट कम होगी तो ये ग्लो नहीं करेगा।
उसके लिए हमें कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से कम करंट को कैसे नापा जाए। ये हम ये अगर सफिशिएंट करंट है तो तभी ही बल्ब जलेगा, और अगर अगर करंट सफिशिएंट नहीं है तो उस सूरत में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। बट इफ द करंट इज टू वीक, अगर कमजोर है करंट, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशियंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। अगर करंट कमजोर है, बल्ब नहीं चल सकता है, तो इसके लिए हमें ये एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि ये कंडक्टर है या नहीं है। तो इसमें है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड लाइट एमिटिंग डायोड से हम चेक करेंगे कि इसमें करंट है या नहीं है। ये एक्चुअल में एलईडी होती क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका यहाँ पे एक बल्ब होता है जो ग्लो करता है। जब भी हम इसके इसको लाएंगे संपर्क में किसी कंडक्टर के साथ, अगर कंडक्टर नहीं होगा तो ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगा। लेकिन इसमें इसमें दो वायर्स होती हैं, लीड्स जिनको हम बोलते हैं, एक को हम बोलेंगे कैथोड। कैथोड का मतलब हो गया कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और एनोड का मतलब हो गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे बैटरी में, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं अगर कहीं वीक करंट है। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू एलईडी, वन लीड इज लार्जर एंड अदर इज स्लाइटली शॉर्टर। लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब भी हम करंट को पास करेंगे और देखेंगे ये कंडक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए जो सर्किट है हमारा वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कहीं भी वायर जो है वो कहीं ब्रेक नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट सर्किट, या फिर हम इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। अगर कहीं भी तार टूटी है बीच में या प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है पूरा सर्किट हमारा, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट या फिर इनकम्प्लीट सर्किट। तो कंप्लीट सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट क्या हो गया कि अगर हमारे प्रॉपर कनेक्शन है तो हम उसको बोलेंगे कंप्लीट, अगर कहीं कनेक्शन बीच में डिसकनेक्ट हो गया है, वायर टूट गई है या कुछ भी हुआ है, तो अगर सर्किट टूट गया है तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट सर्किट या फिर हम उसको बोलेंगे ओपन सर्किट। तो क्या हो गया, कंप्लीट सर्किट कंप्लीट या फिर हम इसको क्लोज सर्किट व्हेन ऑल द कनेक्शंस आर प्रॉपरली लिंक्ड, और इनकम्प्लीट सर्किट हो गया या फिर ओपन सर्किट इसको बोलते हैं व्हेन ऑल द कनेक्शंस आर नॉट प्रॉपरली लिंक्ड। हीटिंग इफेक्ट का तो हमें पता चल पड़ा कि ये हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से कैसे होगा। लेट अस मेक ए टेस्टर यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक सॉल्यूशन लेंगे एक बीकर में, ये दो वायर्स और उसके साथ बैटरी के साथ जुड़ा देंगे, और एक चीज लेंगे हम इधर खाली मैच बॉक्स की जो ट्रे होती है अंदर से खाली, वो उसमें इधर रखेंगे हम यहाँ पे, और इसमें डाल देंगे हम मैग्नेटिक नीडल। क्या डाल देंगे, मैग्नेटिक नीडल, और बाहर से इसको वायर हम रैप कर देंगे, और ये उन दोनों एंड जो है यहाँ इसके साथ और सर्किट कंप्लीट कर देंगे हम, इनके साथ जुड़ा देंगे वायर के साथ और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। अब जो ही करंट पास होगी तो ये नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब जो है हमें पता लग गया कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन शो करेगी जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसमें क्या लेंगे, टेक ए एम्प्टी ट्रे ऑफ मैच बॉक्स, प्लेस ए मैग्नेटिक नीडल इन इट, रैप ए इलेक्ट्रिक वायर इन इट, जॉइन द फ्री एंड्स एंड यू विल नोटिस नीडल विल शो डिफ्लेक्शन। दिस शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से हमें पता लग जाएगा, ये एक टेस्टर तैयार हो गया जिससे हमें पता लगेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कंडक्ट कर नहीं सकते हमें, ये एक स्पेशल टाइप का एक सेल में किया जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि इसमें एक हम सॉल्यूशन रखेंगे, ये जो सॉल्यूशन रखा हमें कंडक्टिंग सॉल्यूशन, इसमें दो हमने रख दिए इलेक्ट्रोड, एक का नाम है कैथोड और दूसरा एनोड। एनोड हो गया जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा हुआ होगा,
और कैथोड हो गया जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे हम एनोड। अब होगा क्या कि ये जैसे ही बैटरी हम ऑन करेंगे करंट पास होगी तो ये सॉल्यूशन जो है इस ये स्प्लिट हो जाएगा आयंस में। जैसे फर्ज किया हमें ये सॉल्यूशन जो है हमारा ए बी है, तो ए बी सॉल्यूशन जो ही करंट पास होगी तो ये ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो फिर ये जो आयन जो बनेंगे इनको हम बोलते हैं आयंस, ये आयंस जो है ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, और जो ये प्रोसेस होगा टूटने का प्रोसेस जिससे आयन टूट गए इसको हम बोलेंगे, जो ये सॉल्यूशन जो है ये टूट गया आयंस में तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HCl है तो HCl अगर टूटेगा तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, दो किस्म के आयन बनेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच कंडक्टिंग सॉल्यूशन जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को वही टूटेगा, जो नॉन कंडक्टिंग होगा वो नहीं टूटेगा। डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, द सबस्टांस आर सॉल्यूशन व्हिच डिसोसिएट इनटू आयन, जो डिसोसिएट हो जाएगा, फर्ज करो इधर ए बी हमने HCl लिया तो ये डिसोसिएट हो गया, दो आयन बन गए, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान में जो सबस्टांस टूट जाए उसके आयन बन जाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। व्हाइल व्हिच डू नॉट डिसोसिएट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जिस जो प्रोसेस जो हमें ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिस ऑपरेटस में हुआ उस ऑपरेटस को पूरे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बैटरी के साथ। कैथोड हो गया अटैच्ड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एनोड हो गया जो अटैच होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, तो इसका एक ही फायदा है आपकी किताब में, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एन अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया कि एक ऐसी कोई आर्टिकल बना है, कोई चीज बनी हुई है, अगर हम इसको ऊपर से दूसरी किसी की परत या लेयर चढ़ाना चाहते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, या फिर उसकी वो देखने में अच्छा लगे, तो इस सूरत में हम इसके ऊपर चढ़ाना चाहते हैं कोई दूसरी लेयर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द आर्टिकल टू बी कोटेड इज टेकन एज कैथोड। हम बनाएंगे क्या, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद लेंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिक करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसमें क्या करेंगे, एक जिस आर्टिकल को हमने कोई ऊपर से परत चढ़ानी है, लेयर चढ़ानी है, तो उसको हम क्या बना देंगे, कैथोड, और जिसकी परत चढ़ानी है उसके ऊपर तो उसको बना देंगे हम एनोड। फॉर एग्जांपल ये हमें एक सुकून दी है, ये आर्टिकल है, इसको बना दिया हमने कैथोड और कॉपर का बना दिया एनोड, क्योंकि कॉपर की हम इसके ऊपर आयरन के ऊपर लेयर चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इसको बना दिया हमने कॉपर को बना दिया एनोड, और ये कैथोड बना दिया हमने इस सुपोन को, या आर्टिकल कोई भी आर्टिकल रखेंगे उसको हम बना देंगे कैथोड। तो मैकेनिज्म क्या होगा इसमें, और एक बात और ध्यान रखनी है हमने कि जिस चीज की हमने लेयर चढ़ानी है उसी का सॉल्यूशन यहां पर इलेक्ट्रोलाइट भी रखना है। तो इधर हमने इलेक्ट्रोलाइट जो रख दिया इसमें, वो रख दिया हमने कॉपर सल्फेट। तो सपोज वी वांट टू कोट एन आयरन सुपोन विद कॉपर, टेक ए बीकर फील्ड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें हमने बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख दिया, इमर्स टू इलेक्ट्रोड्स इनटू इट विच आर कनेक्टेड विद द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड रख दिए, दोनों टर्मिनल को हमने एक बैटरी के साथ जुड़ा दिया। अब जो ही बैटरी ऑन करेंगे हम तो ये करंट पास होगी, कॉपर सल्फेट जो है वो टूट जाएगा, आयन बन जाएंगे इसके टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। द कॉपर सल्फेट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट डिसोसिएट
इनटू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन CuSO4 टूट जाएगा, इसमें बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट आयन बन गए, ये कॉपर आयन बन गए एंड दिस कॉपर गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, मतलब ये कैथोड पर ये कॉपर जो होगा ये डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, तो ये सिकोन को जो है वो एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर कॉपर की। बट एट द सेम टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन सोल्यूशन फ्रॉम कॉपर एनोड, तो कॉपर एनोड से उतना ही कॉपर जितना ये कॉपर जो है सोल्यूशन से डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, उतना ही कॉपर एनोड से सोल्यूशन में चला जाएगा और सोल्यूशन की जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बराबर रहेगी, ना इसमें कोई पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे ना नेगेटिव, ये बिल्कुल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम पढ़ेंगे यूजेस, अब इस कहां कहां काम आएगा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रो, इट इज यूज इन कोटिंग विद मेटल्स विद अदर मेटल्स, अगर हम एक मेटल के ऊपर दूसरे की कोटिंग चढ़ाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज जनरली डन ऑन टैप्स बिकॉज इट रेजिस्ट कोरिजन, तो ये क्या हम करते हैं, हम क्रोमियम की किसी दूसरे पर जैसे लोहे को ज्यादा एकदम रस्ट पड़ जाती है, जंग लग जाता है लोहे को, तो उसको बचाने के लिए हम दूसरे मेटल की उधर कोटिंग कर देंगे ताकि उस पर जंग ना लगे, कुरिजन ना लगे, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत फायदा है इसमें। दूसरा फायदा जो है वो ज्वेलरी में, जो ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, जो दूसरी चीज की कोई चीज बना लेते हैं और उसके ऊपर अब गोल्ड और सिल्वर की कोटिंग करते हैं ताकि वो देखने में सोना जैसे लगे लेकिन प्राइस भी कम हो, रेट भी कम हो, तो इसलिए ज्वेलरी मेकर्स मेक इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन ए लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उनकी जो चमक होती है वो सोने की या फिर चांदी की जैसी चमक होती है। तो आपकी NCERT की किताब में, आपके सिलेबस में इतना ही था इस चैप्टर में, ये हमने लगभग पढ़ लिया, ये U1 का आपका पहला चैप्टर, U2 का, U1 हमने खत्म कर लिया था, ये U2 का पहला चैप्टर है और इसमें आपका इतना ही है। हम कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे लेसन के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।